रचना निर्मेय 5, एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हैं। उदाहरण 5, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी बराबर 30 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश एवं एबी धन बीसी धन सीए बराबर 10.5 सेंटीमीटर है। बच्चों, आज हम ऐसे त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं जिसके तीनों भुजाओं का योग हमें दिया हुआ है और आधार के दोनों कोण दिए हुए हैं। इस उदाहरण में त्रिभुज एबीसी है जिसकी हमें रचना करनी है। कोण बी 30 अंश का है और कोण सी 60 अंश का है और तीनों भुजाओं का योग 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी रचना शुरू करने के लिए ये जो हमें माप दी हुई है तीनों भुजाओं की, सबसे पहले उसे ही हम आधार रेखा के रूप में बनाते हैं और एक ऐसा रेखाखंड खींचते हैं जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए, हमने एक रेखाखंड बनाया जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। इसे हम नाम दें पी और क्यू। इसकी लंबाई हमें मालूम है 10.5 सेंटीमीटर। अब जो दो कोण हमें दिए हुए हैं, कोण बी पर 30 अंश का कोण और कोण 60 अंश का जो सी पर बनने वाला है, इन दोनों कोणों को हम क्रमशः पी और क्यू पर बनाते हैं। इसके लिए हम चांदे का उपयोग करते हैं और चांदे को जैसा रखा जाता है आप जानते हैं, ठीक उस तरह से हमने यहाँ पर रखा और बी पर जो बनने वाला कोण है 30 अंश का, उसे हम पी पर बनाते हैं। अंदर के पैमाने का उपयोग करेंगे, 0, 10, 20 और 30। यहाँ हमने निशान लगाया और चांदे को हटा लिया, इसे पी से मिलाकर आगे बढ़ा दें। इसे एक किरण के रूप में हम नाम देते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया इसको किरण पी एल। इस कोण की माप 30 अंश है, इसे हम अलग लिखते हैं ताकि जब हम काम करें तो ये लिखावट व्यवधान ना पैदा करे। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाया, ठीक वैसे ही क्यू पर भी हम कोण बनाएंगे और जो कोण सी पर दिया हुआ है 60 अंश का, वही कोण हम क्यू पर बनाएंगे। चांदे को हमने फिर से रखा, बिंदु क्यू पर उसका केंद्र बिंदु है और अब की बार हम बाहर वाले पैमाने से पढ़ेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये हमने निशान लगाया और इस निशान को, इस बिंदु को क्यू से मिला दिया। इसे भी नाम दिया किरण क्यू एम। अब हम इसकी माप लिख दें यहाँ, 60 अंश का ये कोण बना। इसे आप चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं। अब जो दो कोण हमें मिले हैं, हम इनका कोणार्धक खींचेंगे। ये जो दोनों कोणार्धक होंगे, वो जहाँ पर कटेंगे वही हमारे अभीष्ट त्रिभुज का शीर्ष होगा। कोणार्धक खींचने के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करें। प्रकार की नोक हम बिंदु P पर रखते हैं और एक चाप खींचते हैं यहाँ पर। इन दोनों भुजाओं को ये चाप जहाँ जहाँ काटता है वहाँ फिर से हम प्रकार की नोक रखकर फिर से दो चाप अलग अलग खींचते हैं, एक बिंदु इस वाले बिंदु से और दूसरा इस बिंदु से। जहाँ पर चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु को हम पी से मिला दें। इसे हम कटी हुई रेखा से मिलाएं ताकि बाद में जब हम त्रिभुज की रचना करें तो ये अलग उससे दिखे।
इस तरह से हमने रेखाखंड कोण का अर्धक खींचा और ठीक इसी तरह से प्रकार का उपयोग करके फिर से हम क्यू पर बने कोण जो 60 अंश का है उसका भी अर्धक खींचते हैं। यह हमने एक चाप लिया और ये चाप जिन बिंदुओं पर कोण बनाने वाली भुजाओं को काटता है वहाँ से फिर से हमने इसे काटा, एक बार यहाँ से भी और इसे फिर से हमने मिलाया। ये दोनों कटन बिंदु और क्यू, इसे हम मिलाएं ये दोनों कोण के अर्धक जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारे त्रिभुज का शीर्ष होगा, इसे हम नाम दे दें ए। अब ए से जो भुजा ए बी बनेगी और ए सी बनेगी वो भी इस पी क्यू के साथ क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमें रेखाएं मिलने वाली हैं वो इसके समानांतर होंगी। एक रेखा जो ए बी बनेगी वो पी एल के समानांतर होगी और दूसरी रेखा जो ए सी बनेगी वो क्यू एम के समानांतर होगी। उन समानांतर रेखाओं को प्राप्त करने के लिए अब हम रेखाखंड ए पी और रेखाखंड ए क्यू का लंबार्धक खींचेंगे। आपको लंबार्धक खींचना मालूम है, हम फिर प्रकार की सहायता लेंगे और ये जो बिंदु ए है वहाँ पर प्रकार की नोक हमने रखी और पी ए के आधे से अधिक हमने एक चाप लिया और पी ए के दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा दिए। यही काम हमने पी पर भी रख के किया और पहले बने हुए दोनों चापों को काटा। जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसे हमने मिला दिया ये हम पी ए का लंबार्धक खींच रहे हैं। इसे भी हम कटी हुई लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ठीक इसी तरह से ए क्यू का लंबार्धक खींचे हम, ए क्यू की जितनी लंबाई है उसके आधे से कुछ अधिक की त्रिज्या का चाप हम यहाँ काटेंगे और दूसरी तरफ भी काटेंगे। यही काम ए पर रखकर प्रकार की नोक को फिर से हम करेंगे। जो पहले दोनों चापों को काटे ऐसा हम चाप खींचेंगे। ये जो दो बिंदु हमें मिले इन्हें फिर से हम मिलाएं। ये देखिए हमने ये कर लिया। अब ये जो लंबार्धक जहां पर पी क्यू को काट रहे हैं उस बिंदु का हम नाम दें बी और सी। ये जो दोनों बिंदु होंगे वो उस त्रिभुज के दो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनकी हमें तलाश थी। बिंदु सी से बिंदु ए को मिलाया, उसी तरह से बिंदु ए से हम बिंदु बी को भी मिलाएं। ये हमने ए और बी को मिला दिया। अब आप देख रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी जो हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। यहां पर आप जो कोण देख रहे हैं वो 30 अंश का होगा, ये कोण 60 अंश का होगा और ये तीनों भुजाओं की माप जो हमें शुरू में दी गई थी 10.5 सेंटीमीटर उसके बराबर होगी।
अब आप पूछ सकते हैं क्या ऐसा होगा, तो उसके लिए आप चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। आप ये जो दोनों कटन बिंदु हैं उनको आप मिलाएं, अगर तो इन्हें मिलाने वाली रेखा आप देखेंगे त्रिभुज के शीर्ष से होकर गुजरती है, और ऐसा करने पर आपको बाएं हाथ की तरफ एक समचतुर्भुज दिखाई पड़ता है और दाहिने हाथ में भी एक समचतुर्भुज दिखाई पड़ता है। अगर ये समचतुर्भुज है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और ये भी उनके बराबर होंगी, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। तो आप देख रहे हैं कि पूरी रेखा जो पी क्यू है उसका एक हिस्सा जो पी बी है वो बी ए के बराबर है, और वैसे ही समचतुर्भुज ए सी क्यू, इसका भी आप कोई नाम दे सकते हैं, ये समचतुर्भुज जो है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और भुजा सी क्यू जो है वो सी ए के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि पी बी सी क्यू के तीन हिस्से हुए, पी बी, बी सी और सी क्यू। बी सी तो बीच का हिस्सा है, जो पी बी है वो बी ए बन गया और जो सी क्यू था वो सी ए बन गया, अर्थात पी बी सी क्यू जिसकी पूरी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर थी वो त्रिभुज की तीन भुजाओं में बट गई। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज यहाँ बना है उसकी तीनों भुजाओं का योग 10.5 सेंटीमीटर है, और ये चूंकि दोनों समानांतर हैं इसलिए जो कोण 30 डिग्री का यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ बन रहा है। ठीक उसी तरह से चूंकि ये दोनों समानांतर है इसलिए ये जो 60 अंश का कोण है वो यहाँ पर बन रहा है 60 अंश का कोण। तो त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज हुआ जिसकी हमें रचना करनी थी। तो बच्चों आप भी इस माप को लेकर के एक बार कोशिश कीजिए, और जब आप इसे बना लें तो अपने मन से कोई और नई माप लेकर इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करें। आप देखेंगे थोड़ी सी कोशिश के बाद ये त्रिभुज आपसे बन सकता है। एक बार आप ये देख लेंगे हमने किया क्या। सबसे पहले दी हुई नाप के बराबर एक रेखाखंड यहाँ पर खींचा, और जो कोणों की माप दी हुई थी उन कोणों को हमने दोनों सिरों पर बनाया, और उसके बाद हमने इन दोनों कोणों का अर्धक खींचा। ये दोनों अर्धक जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो उस त्रिभुज का शीर्ष होगा, और इस रेखाखंड का हमने लंबार्धक खींचा। ये लंबार्धक पी क्यू को जहाँ काटता है उसे नाम बी दिया, उसी तरह से रेखाखंड ए क्यू का लंबार्धक हमने खींचा जो इस पी क्यू को सी पर काटता है, और बी और सी को हमने ए से मिला दिया, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया जिसे हम बनाना चाहते थे। करके देखें। आपके द्वारा बनाए गए त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापिए और उनका योग कीजिए। क्या AB धन BC धन CA बराबर 10.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ?